हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट डाउट्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर से कुछ डाउट्स आए हैं, स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, तो आज मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। दो क्वेश्चंस हैं जो आज मैं डिस्कस करूंगा। दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे भी हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछे गए। If the roots of this equation, whatever is written here, c square minus abx square minus twice of a square minus bcx plus b square minus ac is equals to zero. अब देखिए ये equation जो है ना, ये quadratic है in terms of x। कैसे? ये हमारा coefficient of x square, मतलब ये a का काम कर रहा है, ये हमारा b का काम कर रहा है coefficient of x, और ये हमारा constant term c का काम कर रहा है ax square minus bx, you know, plus c is equals to zero। आपको ये क्वाड्रेटिक दिखनी चाहिए। अच्छा, कह रहा है कि इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं अगर, ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, देन प्रूव दैट आइदर a इज इक्वल्स टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, ओके सॉरी 3 टाइम्स ऑफ abc। सो अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तो वीडियो पॉज कीजिए एंड मेक श्योर कि आप खुद से पहले सॉल्व करें। सो If the roots are real and equal, है ना? If the roots are real and equal, आपको याद होना चाहिए तब discriminant, यानी कि b square minus 4ac, discriminant की value zero आती है, which means that b मतलब कौन? कोफिशियंट ऑफ x, x का कोफिशियंट है माइनस टू टाइम्स माइनस टू बी स्क्वायर माइनस ए सी, अब सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब ए बी सी की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। बी स्क्वायर माइनस फोर ए, व्हाट इज ए? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज सी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड व्हाट इज सी? सी मींस कॉन्स्टेंट टर्म, विच इज रिटन हियर बी स्क्वायर माइनस ए सी, एंड दिस इज equals to zero। So, हमको इसको सॉल्व करना है। अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल और इक्वल हैं, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका जीरो आएगा, मतलब ये एक्सप्रेशन जीरो आना चाहिए। नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, टू का स्क्वायर करेंगे फोर आ जाएगा, एंड ए स्क्वायर माइनस बी सी, भाई नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे प्लस, टू का स्क्वायर करेंगे फोर, और इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए बी b square minus ac is equals to zero। यहां से 4 कॉमन लेकर के उधर भेज देंगे, तो 4 एक्चुअली कट जाएगा, हट जाएगा, है ना? 4 तो अपना कॉमन लेकर के उधर जीरो हो जाएगा। a minus b whole square, a minus b whole square का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, a square, इसका स्क्वायर करेंगे पावर 4 हो जाएगा, प्लस b square c square minus 2 times the a into b, a square plus b square minus 2ab होता है 2a square bc, I hope आपको ये बात समझ में आ रही है। माइनस ये 4 तो निकल गया, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ब्रैकेट में ही रख रहा हूं अभी। c square b square का मल्टीप्लाई होगा तो c square b square minus c square और ac का मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए बात को समझ में आनी चाहिए ये सब चीजें। मैं c square का b square मल्टीप्लाई करूंगा, फिर c square का ac में मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? तो c square का b square मल्टीप्लाई होगा c square b square, c square का माइनस ac मल्टीप्लाई होगा माइनस c into c square c cube और एक a आएगा। अब इसका तो मल्टीप्लाई हो गया दोनों से, अब माइनस ab का मल्टीप्लाई करूंगा b square से, फिर माइनस ab का मल्टीप्लाई करूंगा ac से, बड़ा सिंपल है। माइनस ab into b square माइनस ab cube आ जाएगा, एंड माइनस ab माइनस ac माइनस माइनस प्लस ab into ac, a into a, a square, एक b और एक c is equals to zero। बहुत ठंडे दिमाग से आप देखिए, ये सब स्टेप्स कभी भी टीचर के नहीं देखने चाहिए, आपको खुद से करना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आया कि अच्छा डिस्क्रिमिनेंट को जीरो लाना है। मान लीजिए स्टूडेंट को एकदम नहीं समझ में आ रहा था क्वेश्चन, तो उसको यहां तक समझ में आया कि अच्छा ये सॉल्व करना है, तो इसके बाद आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, इसके बाद आपको खुद करना है। और देखिए जैसे ही आप यहां तक कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप तुरंत वीडियो में टीचर का देखिए कि यहां तक हमारा और सर का सही है ना, सही है, तो फिर आगे लेकर के, है ना? ऐसे करते करते धीरे धीरे चीजें सही लगने लगती है, मैथ्स में, है ना? और अगर ये सब बराबर चल रहा है, अगर आप ये सब सॉल्व कर ले रहे हैं, तो फिर उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये माइनस साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर जाएगी, इसको मुझे नेक्स्ट स्टेप में करना चाहिए, मगर मैं यही कर रहा हूं, आप चाहें तो यहां पर नोट कर लीजिएगा।
जब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस साइन अंदर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। जब माइनस किसी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। मैं यहां देख सकता हूं बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस है, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट। मैं यहां देख रहा हूं क्या ये माइनस टू ए स्क्वायर बी सी है और ये भी ए स्क्वायर बी सी है माइनस में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे महाराज। तो ये माइनस टू और माइनस वन, मैं इसको माइनस थ्री कर दे रहा हूं और इसको इरेज कर दे रहा हूं। आई होप आपको बात समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में है ना, दिख रहा है नीचे एकदम साफ साफ दिख रहा है। सो ए पावर फोर प्लस ए सी क्यू प्लस ए बी क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू जीरो। ये आ रहा है ए पावर फोर ए सी क्यू ए बी क्यू और माइनस थ्री ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू जीरो। मेक श्योर कि आप यहां तक नोट कर लिए हों। देखिए यही प्रूफ करना था, आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। अगर देखिए इस एक्सप्रेशन में देखिए ए सम के पास दिखाई दे रहा है, ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा ए क्यू, यहां से ए कॉमन हो गया, यहां बचेगा सी क्यू, यहां से ए कॉमन ले लिया, यहां बचेगा बी क्यू, यहां से ए कॉमन ले लिया, यहां बचेगा थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसका और इसका प्रोडक्ट जीरो है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये जीरो होगा विच मीन्स दैट इन दो नंबर्स का इसका और इसका प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका क्या मतलब है, या तो ये जीरो है आइदर ए इज इक्वल्स टू जीरो और ये वाली चीज जीरो होगी। अगर ए जीरो होगा तो ये जीरो आएगा और अगर ये चीज जीरो हुई तो माइनस थ्री एबीसी उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। एक्चुअली आपका प्रूफ हो गया कि नहीं, if the product of these two expressions is equals to zero then either this one will be zero which is this or this one will be zero which is this। to hota kya matlab agar is jo quadratic di hui thi uske roots real aur equal hai to discriminant zero aayega, discriminant zero aayega matlab ye expression zero aayega, 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 matlab ye expression zero aayega aur ye expression zero aayega to iska matlab hai ki ya to a zero hoga ya to ye cheez a cube plus b cube plus c cube ye 3abc ke barabar hogi। तभी इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज, या तो ये जीरो हो या तो ये दोनों बराबर हो, तभी इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा, तभी इसका प्रोडक्ट जीरो होगा, तभी ये सारे एक्सप्रेशन जीरो होंगे, तभी डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा और डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तभी रूट्स रियल और इक्वल आएंगे। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा था नहीं इसमें टेक्निकली मैथमेटिकली। हाँ टेंथ स्टूडेंट्स के लिए नई नई चीजों में तो बस ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है जो कि काफी डरावने दिखाई दे रहे हैं, इनका होल स्क्वायर करना, ये मल्टीप्लीकेशन करना, बट यू नो वट अगर आप पेशेंस से फोकस के साथ खूब हंसी करते हुए एकदम मस्त होकर के मैथ्स अपनी सॉल्व कर रहे हैं बिना डरे कि मेरा सही होगा गलत होगा, ये सब नहीं सोचना चाहिए मैथ्स सॉल्व करते रहे कि मेरा सही होगा कि गलत होगा, आप बस फोकस रखिए है ना कि मैं जो स्टेप कर रहा हूँ, मैं जो स्टेप कर रही हूँ, मैं जो मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ, यू नो मैं जो स्क्वायर कर रहा हूँ वो सब सही है या नहीं, मैं जो माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर लेकर जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं। जब हम मैथमेटिकली सब चीजें सही कर रहे हैं तो भाई साहब सही आएगा। Just take a screenshot of this, हम लोग next question करेंगे। So, ये हमारा next question है। If the roots of the equations ax square plus 2bx plus c is equals to 0 and bx square minus twice of square root of ac x plus b is equals to 0 are simultaneously real, then show that, prove that b square is equals to 4ac। ये question भी बहुत अच्छा है and ये board में आया हुआ है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी एक्स वाला टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म की तरफ बिहेव कर रहा है। सो दिस द बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द रूट्स ऑफ बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर साइमल्टेनियसली रियल, मतलब जिस टाइम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है उसी टाइम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी रियल है, और ऐसी सिचुएशन में वी हैव टू शो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। मतलब ये कि अगर बी स्क्वायर 4ac के बराबर होगा सिर्फ तभी और तभी इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मुझे क्वेश्चन नहीं भी समझ में आता तो मैं ये करता हूं, जो मुझे क्वेश्चन नहीं भी समझ में आता तो मैं ये करता हूं।
ये कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिया ना और इस क्वाड्रेटिक के, इफ रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो आर रियल, देन डिस्क्रिमिनेंट। अब ध्यान दीजिए यहां पर, अगर रूट्स रियल और इक्वल दिया है तब तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं, जब रूट्स रियल और अनइक्वल दिया है तब डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन जीरो लिखते हैं, लेकिन यहां इक्वल अनइक्वल की बात नहीं लिखा है। देखिए सवाल की चतुराई देखिए, यहां बस ये लिखा है साइमल्टेनियसली रियल। अब रियल के साथ रूट्स रियल और इक्वल है या रूट्स रियल और अनइक्वल है ये नहीं बताया गया, बस रूट्स रियल है, तो रूट तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और इक्वल्स टू जीरो भी हो सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। इन सच अ केस जहां आपको रूट्स के बारे में सिर्फ इतना मालूम है कि रूट्स रियल हैं, ये नहीं मालूम, अगर रूट्स इक्वल होते हैं रियल एंड इक्वल लिखा होता तो हम इक्वल टू जीरो करते, अगर रूट्स रियल एंड अनइक्वल लिखा होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखा होता तो ग्रेटर देन जीरो लिखते, लेकिन यहां कुछ बताया नहीं है कि रूट्स रियल के साथ इक्वल है या अनइक्वल है, तो हमको दोनों कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यहां ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, एंड इफ द रूट्स ऑफ दूसरी क्वाड्रेटिक क्या है बी एक्स स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट ए सी एक्स रूट के बाहर है प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आर रियल, अगर इसके रूट्स भी रियल है तो इसके लिए भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ध्यान दीजिए बी स्क्वायर बी मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस फोर इंटू ए, ए मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सी, सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां पर भी सिमिलरली एकदम दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं, इसके भी रूट्स रियल है इसके भी रूट्स रियल है, बी स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट ए सी होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ध्यान दीजिएगा इसका स्क्वायर कर लिया 4b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 4 कॉमन लेके उधर भेज देंगे यहां आ जाएगा b स्क्वायर माइनस ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हो गई पहली बात। यहां देख लेते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट ac का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा माइनस 4b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां 4 कॉमन लेके उधर भेज देंगे ac माइनस b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा एक काम कर लेते हैं यहां पे छोटा सा और एक काम, ये 4 कॉमन लेके उधर भेज दिया वो तो जीरो हो गया, और ये माइनस एसी बचेगा उसको उधर भेज देते हैं बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एसी, ऐसे लिख लेते हैं एक ही बात है, और ये माइनस बी स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एसी ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कह रहा था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी रियल हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी रियल हैं, मतलब इसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब इस क्वाड्रेटिक के लिए बी स्क्वायर जो है वो ए सी के बराबर रहेगा या ग्रेटर रहेगा, इस क्वाड्रेटिक के लिए ए सी जो है वो बी स्क्वायर से ग्रेटर रहेगा या बराबर रहेगा, और साइमल्टेनियसली वर्ड का यूज किया मतलब एक साथ ये बात भी सही होनी चाहिए और ये बात भी सही होनी चाहिए। आप ध्यान दीजिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा इसलिए सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि कभी टेंथ के स्टूडेंट्स ने इनइक्वालिटीज जैसी चीजें अभी तक सॉल्व नहीं की, बस इसलिए अच्छा है, क्वेश्चन में दम नहीं है एक्चुअली, ऐसे टॉपिक से रिलेटेड है या इसमें ऐसी मैथमेटिकल चीजें आ रही हैं जो हम जिसमें हम जो भी हमारा कंफर्ट जोन नहीं है ना, बस इसलिए, और कुछ ऐसा नहीं है क्वेश्चन बड़ा दमदार है या कुछ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लेकर के आ गया ना, ओके ठीक है नई चीज है पहली बार देख रहे हैं देख करके समझ जाएंगे सीख जाएंगे और क्या, उसके बाद कभी इस तरह का सवाल आएगा तो कर लेंगे। तो अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स भी रियल हैं इस क्वाड्रेटिक के रूट्स भी रियल हैं तो इसका मतलब ये चीज भी ट्रू होनी चाहिए और ये चीज भी ट्रू होनी चाहिए साइमल्टेनियसली। अब जरा इन दोनों बातों पर गौर कीजिए, ये कह रहा है कि बी स्क्वायर ए सी से बड़ा है या बराबर है, ये कह रहा है बी स्क्वायर ए सी से छोटा है या बराबर है, दोनों इक्वेशन को देखिए, इस ये इक्वेशन कह रही है ये क्वाड्रेटिक कह रही है कि अगर मेरे रूट्स आपने रियल किए तो बी स्क्वायर की वैल्यू एसी से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए, ये क्वाड्रेटिक कह रही है कि अगर मेरे रूट्स रियल हुए तो बी स्क्वायर की वैल्यू एसी से छोटी या इक्वल होनी चाहिए, ये कह रहा है ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए, ये कह रहा है लेस देन और इक्वल होनी चाहिए, अब दोनों की बात सच कब हो, ये कब मानेगा इसके रूट्स रियल होंगे, ये कब मानेगा जब बी स्क्वायर एसी के ग्रेटर हो या एसी के इक्वल हो,
ये इसके रूट्स रियल होंगे ये कब मानेगा, जब बी स्क्वायर एसी से लेस हो या इक्वल हो। तो दोनों लोग किस कंडीशन पे मान रहे हैं, ये कह रहा है ग्रेटर, ये कह रहा है लेस, ग्रेटर और लेस पर तो नहीं मान पाएंगे, लेकिन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी की कंडीशन पर ये भी मान जा रहा है और बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी की कंडीशन पर ये भी मान जा रहा है। वेट अ मिनट, ये क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट ने पूछा है मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एसी नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी आ रहा है, यहाँ 4 नहीं होगा। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है वो इस बात का ध्यान देगा, अगर बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो मिसप्रिंट हो गया होगा, बट यहाँ 4 नहीं आ सकता भाई। मैं नहीं कह रहा, मुझे भी मैं नहीं मालूम था, मैंने आपने क्वेश्चन दिया, मैंने तो लिख भी दिया, बट जब सॉल्व कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूँ कि बी यहाँ 4 आई है, 4 कहां से आ जाएगा भाई। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ 4 नहीं होगा क्वेश्चन में, जिस है ना जिस स्टूडेंट ने मुझे भेजा वो अपनी बुक में देखे कि कहां मिस्टेक हुई थी। खैर, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब राजी है, जब बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एसी हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब राजी है रियल रूट्स के लिए, व्हेन बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एसी। अब ध्यान दीजिए, दोनों ही इक्वेशन इक्वल टू पे मान जाएंगे, ये भी कह रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी पर मेरे रूट्स रियल होंगे, ये भी कह रही है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी पर मेरे दोनों रूट्स रियल हो जाएंगे, लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन पे नहीं सहमति बन रही। ये कह रहा है कि बी स्क्वायर एसी से या तो बराबर हो या एसी से बड़ा हो, ये कह रहा है बी स्क्वायर एसी के बराबर हो या एसी से छोटा हो। तो दोनों लोग कहां मान रहे हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी पर मान रहे हैं। तो आप एक फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे यहां पर, मैं ऊपर क्वेश्चन रेज कर दे रहा हूं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, मैं फाइनल स्टेटमेंट ऊपर ये लिखूंगा, बोथ द स्टेटमेंट इक्वेशन 1 एंड 2, बोथ द स्टेटमेंट्स will be simultaneously true if and only if, IFF का मतलब होता है if and only if b square is equals to ac, सिर्फ इसी कंडीशन में दोनों के रूट्स रियल होंगे, एंड दिस वॉज द मैथमेटिकल इक्वेशन दैट वी हैव टू प्रूव। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, रीजनेबल तरीके से समझ में आए होंगे क्यों ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए, बाय।